Or welcome back to my YouTube channel. I'm Neha, and if you're new to this channel, please don't forget to subscribe my channel. And जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर्दियां तो almost चल ही रही हैं, start हो ही गई हैं, लेकिन साथ ही साथ wedding season भी चल रहा है, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं, है ना? तो जितनी भी मैंने कुर्तियां ली हैं, वो शरारा ही ली हैं, तो मुझे देखना था कि मैं क्या order करूंगी और मुझे क्या मिलेगा, what I ordered versus what I got. And हाँ, video को skip बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं पूरी details में बताऊंगी कि आपको ये कुर्ती लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए. वो product कि सिर्फ वीडियो देख के, पिक्चर देख के ही आप डिसाइड नहीं करें कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. जल्दीबाजी ना करें. अगर आपको लेना है तो आराम से देखें और पहले पूरी जानकारी लें प्रोडक्ट के बारे में और उसके बाद ही परचेज करें. तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारी जो फर्स्ट कुर्ती है वो ये वाली कुर्ती है. पहली बात तो इसका जो कलर है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा. मुझे ये कलर ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कलर की वजह से इसको लिया. सबसे पहले तो मेरी आंखें कलर की वजह से इस पे रुकी थी. तो कलर इसका बहुत ही प्यारा है. नेक कुछ इस टाइप का है. आई डोंट नो, इसको नेक को पान वाला नेक बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है सीरियसली. तो ये वो वाला नेक है और यहाँ पे ना वाइट कलर की ऐसे लेस लगी हुई है और पूरी कुर्ती प्रिंटेड कुर्ती है. ब्लॉक प्रिंट्स हो रखे हैं इस पे. ये वाली कुर्ती शॉर्ट है प्लस राउंड में है और स्लीवलेस है और नीचे से ना इसकी ऐसी कुर्ती के एंड में ना आपको ऐसे सिल्वर कलर की ना ये गोटा पट्टी लगी हुई है. इस पे ना कुछ डिज़ाइन बना हुआ है. मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिज़ाइन बना हुआ है, बट कुछ तो ऐसे कलाकारी हो रखी है इस पे पत्तियों पत्तियों की गोटे पे. और उसके बाद नीचे ये लेस लगी हुई है वाइट कलर की और सबसे लास्ट में लगी है ये जिगजैग वाली सिल्वर गोटा पट्टी वाली लेस. पीछे से भी इसमें पूरा प्रिंट है. और साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसको लिया था एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में और साइज़ मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया है. इसके साथ मुझे मिला है एक दुपट्टा जो कि बिल्कुल ही हल्का, बहुत ही हल्का दुपट्टा है, बहुत ज़्यादा हैवी दुपट्टा नहीं है. और इस पे दुपट्टे पे भी ना दो टाइप की वो लगी हुई है. एक तो गोटा पट्टी वाली लेस जिसमें अगेन यहाँ पे कुछ ऐसे डिज़ाइन सा है, थोड़ा उभरा उभरा सा फील हो रहा है अगर आपको दिख रहा हो तो. और पीछे लगी हुई है ये जिगजैग वाली गोटा पट्टी वाली लेस. पूरे दुपट्टा मतलब प्लेन है और बहुत ही लाइट वेट है. लेंथ इसकी अच्छी खासी है. शरारे की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर से इलास्टिकेटेड है और पूरा ना मुझे ऐसी वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. ऐसे शरारा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो ऊपर से टाइट हो और नीचे से ऐसे फ्लेयर्स हो. फ्लेयर इसका कुछ इस तरह का है और इसमें नीचे से गोटा पट्टी लगी हुई. पूरा वर्क वैसा ही है जैसा कुर्ती में हो रखा है, सिर्फ इसमें वो वाइट वाली लेस नहीं लगी हुई है. बाकी बिल्कुल परफेक्ट है. क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे क्वालिटी अच्छी लगी. बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट में है. जैसा मुझे पिक्चर में दिखा था मुझे वैसा ही मिला है. और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 834 में मिला था और इसका रीसेंट प्राइस है 864. और मीशो पे ना प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं तो आप वो चेकआउट करते रहना. और यस, ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छी लगी. मैं इसको दूंगी 10/10. अगर आप हल्दी के लिए आउटफिट देख रहे हो तो ऑब्वियसली अगर मीशो पे तो जाओगे ही और वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे. तो उसमें से अगर आपको ये वाला ऑप्शन भी दिखेगा तो प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ना ये देख लेना कि आपको उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. तो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ पहले कैसा है वाला प्रोडक्ट है. और हाँ, मुझे एक और बात याद आई. जब मैंने इसको परचेज किया था ना तो डिटेल्स में लिखा हुआ था कि सिल्क का फैब्रिक है, बट सिल्क का फैब्रिक यूज़ नहीं किया हुआ है इसमें. मुझे जो मिला है वो मिला है जॉर्जेट वाला फैब्रिक. तो ये कुछ इस तरह का है. ये फ्री साइज में आया है तो आपको स्टिच कराना पड़ेगा. इस तरह का ना इसमें पूरी कुर्ती पे ना ऐसे वर्क दिया हुआ है, इसमें ना गोल्डन थ्रेड वाला वर्क हो रखा है. प्लस यहाँ पे जो मिरर है ना वो मिरर रियल मिरर नहीं है, ये फॉइल वाला मिरर है जिसकी क्वालिटी कुछ इस तरह से है. तो मुझे नहीं पता ये वॉश होने के बाद कैसा रहेगा, बट इसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी. बाकी वर्क बहुत ही प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर कलर है. और साथ में दिए ऐसी स्ट्रेप्स, अलग से स्ट्रेप्स दी हुई हैं. तो उसको आप जब स्ट्रेच कराओगे तो आप लगवा सकते हो. इस तरह से इसमें अटैच करके दी हुई है, ये वाली स्ट्रेप्स हैं. तो दोनों साइड आप यहाँ पे लगवा सकते हो. पीछे से ये बिल्कुल प्लेन है और अंदर से ना इसमें फैब्रिक लाइनिंग लगाई हुई है. जो बहुत सस्ती वाली लाइनिंग होती है ना वो इसमें लगी हुई है. और सी थ्रू इतना ज़्यादा नहीं है.
तो जो इसके साथ मुझे दुपट्टा मिला है ना, वो पिक्चर में कुछ अलग था, बिल्कुल प्लेन सिंपल था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिला है बीच में ना, इसको ऐसे नेक में ऐसे, आई डोंट नो इसको चोकर बोलेंगे या क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, बट ये ऐसे बीच में नेक के बीच में आएगा, दोनों जो चुन्नटें हैं वो साइड में आएंगी, और इसके बीच में ना अंदर ऐसे बुकरम लगा के इसको पूरा एकदम टाइट बना रखा है, जिससे ना ये ऐसा कड़क सा ही रहे, टाइट सा ही रहे, और बीच में ना ये वाला वर्क हो रखा है, ये ऊपर जो वर्क हो रखा था ना वही वर्क बीच में हो रखा है, साइड में वो जो कड़क वाला नेट होता है ना, नहीं बहुत ज्यादा कड़क भी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कड़क है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाला नेट नहीं है, तो वो वाला नेट को ना ऐसे चुन्नटे बना के यहाँ पे स्टिच किया हुआ है दोनों साइड से, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, मैं आपको दिखा दूंगी, और लास्ट में ना इस तरह से लटकन तो नहीं लगाई हुई है, लेकिन हाँ जो कुर्ती में लेस लगी हुई है ना, ये वही वाली लेस ऐसे लटकाई हुई है, जैसे लटकन लटकता है ना वैसे ही लटकाई हुई है, तो मुझे अच्छी लगी है काफी। इसके साथ दिया है ये ब्यूटीफुल सा शरारा, जिसमें ऊपर से इलास्टिकेटेड है, ऐसे ना दो लेयर्स दी हुई है, ऊपर से टाइट है और फिर नीचे से एक लेयर है और फिर उससे भी ज्यादा बड़ी वाली लेयर है, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग है तो हील्स पहनने के बाद ही अच्छे से आएगा, बाय द वे मेरी हाइट है 5'4" एंड उसके हिसाब से मुझे हील्स पहन के ही अच्छे से आएगा, वरना ये जमीन पर लग रहा है, एंड इसमें ना बीच में ऐसे सीक्वेंस होते हैं ना, छोटे छोटे सीक्वेंस से ना ऐसे फ्लावर्स बना रखे हैं, तो वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बहुत ही फेस्टिव लुक है, बहुत ही प्यारा है, और इसका जो प्राइस है वो है 1526 आई गेस, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, और मुझे ये पड़ा था 1429 में, इसका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन किया था इसलिए मुझे ये 1429 मतलब मुझे कुछ परसेंट डिस्काउंट मिला था उसमें, तो यस ओवरऑल अच्छी लगी मुझे, लेकिन मुझे इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि उस हिसाब से ये पूरी मतलब इसको मेरे को भी सिलाने ही पड़ेगा, तो सिलवाने में मुझे नहीं पता कि कितना ज़्यादा कॉस्ट जाएगा, तो उस हिसाब से आप देख लेना कि अगर आपके बजट में है तो आप तभी लेना, वरना आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने प्रोडक्ट मंगवाया था ना, मतलब मेरे साथ ना स्कैम हो गया, बहुत बड़ा वाला स्कैम हुआ है, मतलब जिस प्रोडक्ट के लिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, मैं वेट कर रही थी, वो मुझे सबसे लास्ट में मिला था, और वही प्रोडक्ट, मतलब मैंने ऑर्डर किया था ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था और मुझे क्या मिला है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये मिलेगा, ठीक है ये मुझे मिला है। नो डाउट इसका कलर बहुत बहुत सुंदर है, थोड़ा ऐसे गाजरी कलर नहीं होता वो है, और साइड में ना ऐसे गोटा पट्टी टाइप की ये जिगजैग वाली लेस लगी हुई है, बहुत ही सुंदर कलर है, नो डाउट पूरा नारकली सूट है, पूरा लॉन्ग है, लेकिन मैंने इसके लिए 1200 रुपये पे नहीं करे थे, मैंने इसके लिए 1200 रुपये पे करे थे, तो मुझे वही प्रोडक्ट चाहिए था, और मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार क्यों नहीं आया यार, ऐसा क्यों करता है, कई बार ऐसा हो जाता है, बट ठीक है मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है, बट ये ऐसा लग रहा है जैसे साड़ी नहीं हो, जो साड़ी का फैब्रिक होता है ना उससे ये बना दिया है, इसमें बहुत ही सस्ते वाली चीज़ें लगी हुई हैं, इसमें ना पैड्स भी लगे हुए हैं, तो वो भी बहुत ही सस्ते वाले लग रहे हैं, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, और ठीक है यार मुझे वो वाला चाहिए था, बट एनीवेज कोई बात नहीं, मैं इसको रिटर्न करा दूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 दिन के अंदर अंदर हम रिटर्न कर सकते हैं मीशो पे, तो ये बात बहुत अच्छी है, और इसके साथ मुझे मिला है दुपट्टा भी मिला है, और नीचे की जो पैंट है ना वो भी मुझे बहुत ही अजीब सी पैंट लग रही है, मतलब ऐसी अजीब सी इलास्टिक है, साइज़ का कुछ पता नहीं है, पता नहीं क्या साइज़ है, और कपड़ा ही बहुत ही ज़्यादा सस्ता वाला यूज़ किया हुआ है, और ये मिला है मुझे दुपट्टा इसके साथ, सेम कलर का दुपट्टा है, बट मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। हमारी ये वाली कुर्ती है और ये बहुत ही सुंदर है, मतलब ऐसे हल्दी वाला फंक्शन होगा ना तो मैं इसके लिए ट्राई कर सकती हूँ बिल्कुल, तो इसमें व्हाइट कलर और मस्टर्ड येलो कलर का इसमें वर्क हो रखा है,
नेक जो है वो उसका स्क्वायर नेक है और इसमें ना गोल्डन कलर की गोटा पट्टी लगी हुई है जिगजैग वाली। थ्री फोर्थ स्लीव्स है, मुझे ना थ्री फोर्थ स्लीव्स बहुत पसंद है, वो वाली जो एल्बो तक आती है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें पट्टी टाइप की लगा रखी है जो येलो कलर की है और उस पर वाइट एंड ग्रीन कलर के मतलब ग्रीन कलर का टच दिया हुआ है थोड़ा बहुत। ये जो पूरी कुर्ती है ना वो येलो और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है और थोड़ा सा इसमें ग्रीन टच भी दिया हुआ है, तो ये ऐसे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना वर्क हो रखा है। ब्लॉक प्रिंट है और पूरे में ऐसे ब्लॉक प्रिंट हो रखा है। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे साइज़ बहुत अच्छा आया था, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कौन से साइज़ में मंगाया था, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। ठीक है, शॉर्ट कुर्ती है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कुर्ती है, राउंड कुर्ती है। नीचे से भी इसमें ना पूरी पूरी कुर्ती में ऐसे प्रिंट दिया हुआ है और नीचे से भी ऐसी ये पट्टी लगाई हुई है और मैंने इसको मंगवाया था एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में, तो ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया है। एंड इसके साथ जो बेल्ट दी हुई है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है, मस्टर्ड येलो लगी इसमें पट्टी है, वही जो सूट पे वर्क हो रखा है और नीचे ना ऐसे टसल लगा रखे हैं, बहुत ही क्यूट से हैं, उसमें ना से मोती भी लगा रखे हैं, डोरी दी हुई है और इसको लगाने के बाद ही लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आया है कुर्ती का, उससे पहले बहुत ही सिंपल लग रही थी। इसके साथ जो शरारा मिला है वो बहुत ही इसकी इलास्टिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और सारे शरारा ना मेरे ऐसे वाले हैं जिसमें ऊपर से टाइट है और नीचे से ऐसे फ्लेयर है, तो इसमें एक ही फ्लेयर दिया हुआ है जो कि नीचे से प्रिंटेड कुर्ती में दिया हुआ था ना, ऊपर से वैसा वर्क है और नीचे से ना ये पूरा भरा हुआ है, ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, तो वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फ्लेयर इसका बहुत अच्छा है और नीचे से भी इसके ऐसे मस्टर्ड वाली पट्टी लगी हुई है, तो पूरा ओवरऑल लुक बहुत बहुत ही सुंदर आया हुआ है। इसका प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 679 में प्राइस में मैंने लिया था, तो इसका प्राइस है 679, दुपट्टा इसमें नहीं है। और इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको दूंगी 9 out of 10, क्योंकि ये थोड़ा सा ना सी थ्रू है, तो इसके नीचे आपको इनर या फिर कुछ ऐसे ट्यूब टॉप वगैरह वाइट कलर का पहनना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल सकता। टुडेज वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।